नमस्कार मंतव्य सहित मो अपूर्व मंतव्य आज विषय वस्तु रही E420 राज्य सरकार साइबर ठकों को साबाड़ करने मासक तले आरंभ करते हेल्प डेस्क आज स्थित समीक्षा करे कमिशनरेट पुलिस कमिश्नर सुधांशु षडंगी एवं जो तथ्य सामना को आ बे चिंताजनक भाव साइबर ठकों दौरात्म्य बढ़ी और साइबर ठकईर मात्रा बढ़िबार लगी नियंत्रण आने पर पुलिस काठिकर पाठ हो ये तमाम दिगक नहीं आलोचना करवा आम सहित साइबर एक्सपर्ट रही आम प्रतिनिधि रोशन रथ मध्य तमाम अपडेट देवे कि प्रथम आसन शुणा जे पुलिस कमिश्नर आज कौन तथ्य सामना को आनी गला किसी दिन है साइबर क्राइम नहीं आम प्रस्तुति करसाधारण को बारंबार सचेतन कर समस्या है जे जी आम डिजिटल ट्रांजाक्शन बढ़ुची तार साथ कॉन्टैक्टलेस क्राइम बढ़ुची 2021 वर्ष आमको गोटे साइबर क्राइम थाना मिलपर्यंत जपर्यंत साइबर क्राइम थाना न हो बर्तमान ये हेल्प डेस्क मध्यम आम जनसाधारण को सहायता करुचु बर्तमान जाए 1207 फोन कल आम पाक आतु संक्रांति अच्छी 39 मुझे आपण मान जरिया अं मानक अनुरोध करी जो मैंने भुवनेश्वर बाहर अच्छा से सहायता नंबर को फोन कले आम बेसी किसी साहय करूश्वर साथी सीमित अच्छी आलोचना आम सहित अच्छा साइबर एक्सपर्ट प्रशांत साहू अच्छा आम सहित अच्छे प्रतिनिधि रोशन रथ भुवनेश्वर डीसीपी अंडर में डीसीपी ऑफिस रे गोटे साइबर कंट्रोल रूम खोला गला गोटे टोल फ्री नंबर दिगला जो जो मैंने भी जो ठकईर शिकार होती से नंबर को फोन कले तुरंत जो गोल्डन आवर रही अर्थात जो घंटा को भितर टा कटि थाए टाटी केमती कटू ब्लक कर पार तेणु आज जदि आम देखा से जो साइबर कंट्रोल रूम खोल जासे पुरी यही अवसर में पुलिस कमिशनर जो कंट्रोल रूम रही विजिट करते के फोन कल आसी जो सब फोन कल आर कि भाव में ट्रिटमेंट कर लोक मान जो टाँचा कटा कथा कि भाव में ब्लक कर नहीं से नहीं से तथ्य अनुसंधान करते जहाँ बर्तमान पर्यंत खबर आसी जो बर्तमान मसे भितर 1207 कल आो टोल फ्री नंबर रही सबू भितर भुवनेश्वर केवल आ368 कल और 899 राजधानी बाहर आबे 229 जो कल आगुड़ ठकई संपर्कित अधिकांश ठके अर्थात 299 ठके UPI जरिया अर्थात आम कहीपर प्रथम रू जो बड़े जो फोन कॉल करी जो मैंने साइबर ठक रही थे प्रथम OTP मागुले ATM कार्ड पछपटे नंबर मागुले बर्तमान आउ से जरिया ना बर्तमान नुआ तरीका अपणाई UPI मध्यम सीधा सड़क भाव में ठके करेणु बर्तमान सुधा जहाँ खबर अच्छी पखापाखि 719,000 अधिक टाक पुलिस बर्तमान ब्लक कर सफल अर्थात गोल्डन आवर भितर जदि अभोग आसू तेरे पुलिस तत्परता देखे ब्लक कर सफल होनेपटे जदि देखा जहाँ पुलिस कमिशनर सूचना रही है जे आम जहाँ पूर्वर देखेलु अधिकांश फोन कल राज्य बाहर अर्थात जो झारखंड आ बिहार अंचल झारखंड अंचल जो रही झारखंड अंचल रही जमतारा और बिहार देवघर सहित नोएडा केरल ए अंचल फोन कल आसार खूब कम फोन कल आस तेणु जेहेतु जो मैंने भी लोक मैंने ठकईर शिकार होने प्राइमरीली टा के फेरी पाइबे ता चिंता करमती अभुक्त गिरफ हम से नहीं से कौन FIR देना केवल गोटे चिंता रोचे टाँग फेरी पाई जाऊ कि टाँग को ब्लक कर दि जाऊ तेणु से ही अनुसार पुलिस बर्तमान प्राथमिक तत्परता देखिए लोकों टाँचा किपर फेरी आसब अंपटे जदि दरकार पड़े तेरे पुलिस से ही अंचल जो पुलिस रही झारखंड जमतारा कहतु कि जो बिहार देवघर कहतु कि नोएडा केरल ए अंचल पुलिस सहित जोगाजोग कर अधिकांश समय देखा जे पुलिस ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करुचे के भाव साइबर ठकई बा साइबर ठकई को कंट्रोल को आणव आ साइबर ठकई जो मैंने करवाड़ करम सहित अच्छा प्रशांत साहू साइबर एक्सपर्ट अच्छा श्रीयुक्त साहू आपको स्वागत कर आलोचना को हेल्प डेस्क प्रस्तुत करा के भाव साइबर ठके उपरे रोक लग मासक तथ्य तो भिन्न कथा कह देखो जो जी फ्रॉड हूँ सार भी सीपी सार भी जहाँ कहले सब गुड़ा आसूच बाहर
ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ବାହାରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା, ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ନ ଧରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ନ ଆସିବ, ସେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଆଉ ସେମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିବେ। ସେ ଯଦି 100ଟା ଲୋକକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 20-30ଟା ଲୋକକୁ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ 10% ଲୋକକୁ ମାନେ ଚିଟିଂ କରୁଥିବେ। ସେତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ ବଢୁଛି ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସାଇବର ପୋଲିସର ବି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ହେଇଛି, ସେ କଣ ହଉଛି ନା, କ୍ରାଇମ ହେଲା ପରେ ଜଣେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ହଉଛି, ପ୍ଲସ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ଫ୍ରଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କାଢି ନଥିବ, ତାହେଲେ ପଇସା ଗୁଡା ଫ୍ରିଜ ହଉଛି। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ପଇସା ନେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କରିଦଉଛି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଆସୁ ଆସୁ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ବାହାର କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ ଫୋନ ନମ୍ବର ଯୋଉ ସିମ୍ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ହଉଛି, ସିମ୍ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ସିମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ କିଛି ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ ସେମିତି କିଛି ହଉନି। କଣ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧରା ପଡୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ସେମାନେ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କେମିତି କରାଯିବ, ନା କେବଳ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରି ପୋଲିସ ଏବଂ କମିଶନର ପୋଲିସ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଦେଇଛି? ଧରା ପଡିବାକୁ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ ଗୁଡା, ସେଇ ଯୋଉ ଜାମତାରା, ମଥୁରା, ୟୁପି, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର ଏରିଆ, ଏମିତି କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ସେଠିକା ସାଇବର ପୋଲିସ ଆମ ଆମ ପୋଲିସକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଡିନେସନଟା ହଉନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ବସିକି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତେ ଯେ ପୋଲିସ ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଡିନେସନ ରୁହନ୍ତା, ଯେ ଯଦି ଏଇ ଏରିଆରୁ ଫ୍ରଡ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେପଟ ଏରିଆ ପୋଲିସ ଧରନ୍ତା ସେଇ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ଯେହେତୁ ହଉନି, ଏଇ ଫଳରେ ଏମିତି ହଉଛି। ଯେ ଆଉ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରଡ୍ ଗୁଡା ବି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ SBIରୁ ସେ ନବଧର ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ୟୁପିର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପେଟିଏମ୍, ପେଟିଏମ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଯେ ଏତେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ବି ହଉଛି, ପୋଲିସ ବି ମାନେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତାର ଟାଇମ୍ ପଳଉଛି, ପ୍ଲସ ସେ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଇକି ଧରିବାଟା ବି ମୁସ୍କିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟର ପୋଲିସ ବି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟର ପୋଲିସ ବି କୋଉ ଫ୍ରଡ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଷ୍ଟେଟର ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧରି ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟର ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡିନେସନ ରହନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହବ, ନହେଲେ ଇଏ ବଢି ହିଁ ଚାଲିବ। ଓକେ ରୋଶନ, କମିଶନର ପୋଲିସ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ଲାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ପୋଲିସ ଲାଗିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପୂର୍ବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଫେରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଟଙ୍କା କଟୁଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଥାନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସାଇବର ଥାନା ରହିଛି, ସେଟା ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ଯେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଠକେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରି, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସାଇବର ଥାନା ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର UDPକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର DCPଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଜୁରିଫିକେସନ ଭିତରେ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଠକେଇ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣ୍ଡରରେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ଆଜି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଖବର, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାର୍କ ୱେବ୍ ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଜରିଆରୁ ଲୋକଙ୍କ ଠକେଇ ହେଉଛି। ଆଜି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡାର୍କ ୱେବ୍ ଜରିଆରେ ଠକେଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହେଉନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେସିକାଲି ଠକେଇ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କଲ୍ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନ ଯାଇଛି,
से पर्यंत ठकेई को मूलोत्पाटन करा जाई पारिबो नाही, तो से दिगरे पुलिस रो पदक्षेप कोन वर्तमान पर्यंत रोशन? देखो निश्चित भाव रे जदि ठक को प्राथमिक पर्यायर गिरफ कर पुलिस प्राथमिकता होना पुलिस जहाँ सूचना रोला जे टा ठके कि भाव में बंद कर ब्लक करो मर ठके चली कि भाव में ब्लक कराथमिकता दि जाऊँ कि गिरफ्त से नहीं जो सब अंचल लोकेसन जहाँ देखा जो सब अंचल मुझे कहती जमतारा कथ कहतु कि जो देवघर कथ कहतु केरल कथ कहतु यही सब अंचल लोकाल पुलिस सहित आलोचना हे और खूब कम दिन भितर जो सब रेगुलर अभियुक्त जो मैंने रैंडमली ठकई में संप्रक्त अच्छा एवं जो ग्रुप टी काम कर गोटे फोटो सहित तथ्य जारी करा जिवा बोली कमिश्नर सूचना देखते किंतु यही प्रोसेस किसी टाइम लग पाए किंतु ए सबू भितर प्राथमिक पर्यायर लोकंर टा जो कटुची ताकू कि भाव में ब्लक कर लोक कि भाव में अधिक सचेतन हो लोक ये ठकामी न पड़ू ताकू वर्तमान पुलिस पक्षर प्राथमिकता दि जाए अपूर्व संयुक्त साहु आपंठ जानवाक चाहिए जे राज्य सरकार स्वतंत्र हेल्प डेस्क प्रस्तुत कर भुवनेश्वर एक स्वतंत्र साइबर पुलिस स्टेशन पे आवेदन करा जाए मुझे आशा करा जाए 2021 सुधा यह मिलजि यह द्वारा साइबर क्राइम उपरे किछ मात्रा कंट्रोल लगा जाई परिबो ए आशा आपंकर रही देखो पुलिस केमर आसे जो मान क्राइम टाइम लोक पुलिस पाखे आम दरकार मेन अवेयरनेस भी पुलिस तीरिशा डिस्ट्रिक्ट रे तीरिशा साइबर पुलिस स्टेशन भी रही दरकार जो मैंने बाहर अच्छा तो सब स्टेट सब जगार एक्सेसिबल हो देखो लोक एत बाट जाज भी रोच से भी आसुना मान देखो जी फ्रॉड हो मान रिपोर्टिंग हो भावे 60% आड़ाए जिन हो दरकार सब राज्य साइबर पुलिस गोटे दरकार पुलिस मान मैन पावर कुमी ट्रेन करेंगे जमी आम साइबर रिलेटेड फ्रॉड को जाणी हम कहीं देखो प्रतिदिन नुआ नुआ प्रकार फ्रॉड मान नुआ नुआ प्रकार चिट कर देखो दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झीठ से 40,000 टंका अराउंड लुटि नहीं साइबर फ्रॉड मान से मानते जो प्रकार बढ़ुच क्राइम से अनुसार आम पुलिस भी सेमती अपडेट हवा दरकार पुलिस स्टेशन बढ़ेगा दरकार सब बेसी सब मेन जिन अवेयरनेस हवा दरकार लोक अवेयर हेले ही फ्रॉड हबनी आ मीडिया रे जदि प्रोग्राम करिवे पुलिस भी प्रोग्राम करिवे पुलिस भी गोटे साइबर तांकर गोटे जो आम ओडिसा पुलिस कर एटलीस्ट गोटे यूट्यूब चैनल खोलिया दरकार जो थे कौन रेगुलरली मझे 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 से माने गोटे गोटे अवेयरनेस वीडियो देखोथिबे एम जस्ट गोटे कहिदेले भी लोक गोटे बुझुना ग्राफिकली देखेबे एमिति लोक सचेतन कले भी लोक को ठकी नउछन साइबर ठक माने एबे खबर आसी पहुंचुची ओटीपी आसुनी किंतु टंका गायब हो जाउची तो लोक सचेतन हेले कौन करिपरे जदि ओटीपी न आसिकी टंका गायब होउची तो लोक से ठकेरु केमति बंचिबे ना ओटीपी आसुनी जोटा सेटा दीटा बाटे आसेनी गोटे देखो जदि ओटीपी आसबनी माने कौन ना से फ्रॉड माने कौन करिवे ना देखो गोटे बुझे ओटीपी केते बेले आसे जितेबले गोटे ट्रांजेक्शन इंडिया भितर हम तो ओटीपी आसो से फ्रॉड माने आपर से कार्ड रो डिटेल नहीं कि Amazon.com कि नेटफ्लिक्स जो गुडा सब यूएस रे सर्वर अच्छे इंडिया बाहर सर्वर अच्छी से ट्रांजेक्शन कर बाहर गेटवे नियम ना ओटीपी आसवाक इंडिया भितर ना अलाउ अच्छे जहां भी हम ओटीपी आसो जेहेतु से बाहर ट्रांजेक्शन कर ओटीपी आसुनी से सब बेले भी मुझे बहुत गुडिया जगह भी कहे जे आपणकर सब बेले कार्ड रे इंटरनेशनल यूसेज टाक बंद कर दिखाई आपनको डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो जदि क्रेडिट कार्ड अछि ताले क्रेडिट कार्ड कंपनी के कहि कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बंद करंतु किबा डेबिट कार्ड हेतले भी आपन कहि कि बंद करंतु नहले नेट बैंकिंग भीतर भी फैसिलिटी अछि जदि आपन इंटरनेशनल यूसेज टा बंद कर देबे आपन देखंतु से फ्रॉड माने आ क्राइम जदि भी बाहर चेष्टा करिवे बाहर जिन आ ओटीपी त आसिबनी किंतु आपनक डिटेल भी पैसा भी किछि जीवनी सब बेले से आम कहते ना कार्ड भी हजिगले भी आप मोर तो ओटीपी आसो कार्ड हजि जाओ कि डिटेल किए नहीं गला मोर चिंता नहीं सेमती ना ओटीपी आजिकल आसुनी कहीं बाहर ट्रांजेक्शन कर दौरान फ्रॉड मान रोशन
जो तथ्य देखते कमिशनर पुलिस कमिशनर तरफ जो तथ्य दि जाइए जे 899 कल राजधानी बाहर आसी 368 भुवनेश्वर आसी अर्थात भुवनेश्वरवासी जाशु सचेतन हो ठकईर शिकार होती जहाँ आज पुलिस कमिश्नर सूचना रोला जे केवल जो मैंने ये विषय जापार अनेक लोक से ठकईर शिकार होती नु अधिकांश समय जो मैंने बारंबार एटीएम कार्ड व्यवहार कर सब जाने ठकईर शिकार होती तेणु विशेषकर सचेतनता को जी गुरुत्व दि जा दरकार लोक से तत्परता देखा दरकार अंपटे जदि देखा आज जहाँ कमिशनर सूचना रोला जे पूर्वर जो अमाउंट फोन कल आसूला बर्तमान बर्तमान फोन कॉल संख्या कमी जाइए कारण भुवनेश्वर यूपीडी भितर जेहेतु ये जो डीसीपी ऑफिस रे साइबर सेलटा रही कम करेणु अधिकांश अन्य सब जिलूर आसला जो गुड़िक भुवनेश्वर यूडीपी चाहिए तदंत करें तेणु बर्तमान केवल भुवनेश्वर अंडर जेहेतु यूडीपी भितर जी केसेस होगुड़ फोन कल आसर्व अपेक्षा बर्तमान फोन कल कमी जाइए कि अंपटे आम जब देखा जो मोट बर्तमान पर्यंत मोट जी गोटाए कोटी 40 लाख रु अधिक टकर टक सामना को आारी भितर जदि देखा जी भुवनेश्वर मध्य केस केसेस आसी मोट 368 केस आसी सब भितर 719,000 टंका को साइबर कंट्रोल रूम मध्यम ब्लॉक करा जिबारे पुलिस सक्षम होई छी से भली भाबरे जदि देखा 298 यूपीआई ओरिएंटेड केसेस रही 46 क्रेडिट कार्ड संपर्कित केसेस रही अर्थात एथरु स्पष्ट हो वर्तमान जो मैंने साइबर ठक रही जो पुराना स्टाइल जो भाव में क्रेडिट कार्ड खराब हो जाए कि बदलवाक चाहूंट कि फोन कल आसला और क्रेडिट कार्ड नंबर मगा जाए ता जरिया टंका हड़प कर बर्तमान आपरी होना सीधा साल यूपीआई कारण बर्तमान जेहेतु अधिकांश लोक फोन पे गूगल पे ये सब यूज कर यूपीआई जरिया बर्तमान साइबर ठकई संख्या बढ़ जाइए तेणु जहाँ बर्तमान पुलिस पक्षर सूचना दि जाए एने केन्द्र सरकार को अवगत कर विशेषकर केन्द्र मंत्रालय जो यूपीआई जो बैंक गुड़िक रही यूपीआई जो गुड़िक जो मैंने याकू हैंडल करते सहित आलोचना चलती कि भाव में यूपीआई जरिया जो ट्रांजेक्शन गुड़िक हूँ कि भाव में सेफ जोन में रखा से नहीं बर्तमान चेष्टा चलती श्रीयुक्त प्रशांत साहू जानवाक चाहिए बड़ प्रश्न और बड़ चिंता बर्तमान समय जे यूपीआई मध्यम अधिक ठके हो पूर्व क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में ठके होता और बैंक आकाउंट रू ठके होता कि बर्तमान यूपीआई रु अधिक ठके होती रोक लग जा लोके केमी सचेतन हे माने आपणकर गोटे अवेयरनेस ही दरकार नहले हबनी कहीं ना देखु जो आम एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड रे होतला कहीं लोक मान दौना कहीं लोक जाणीगले जो ओटीपी किए मागिला मान दिनी जी फोन करके मागिला ओटीपी दिं लोक अवेयर हो गले अवेयर पे हमको केते वर्ष लगला आपड़ टीवी रे मीडिया रे सोशल मीडिया रे बहुत प्रचार हला तपर लोक जाणीले सेमिति आमको यूपीआई रो भी गोटे अवेयरनेस करिवो पड़िवो अवेयरनेस पई आपणकर मीडिया रे आमे पुलिस भी दबा दरकार अवेयरनेस वीडियो करिया दरकार सोशल मीडिया रे तो भी दबा दरकार मीडिया रे तो प्राय प्रोग्राम होउची किंतु तथापि देखो यूपीआई रे कोन ना इंस्टेंटली आपणको पैसा पळोउची आउ कोन कि बैंक यूपीआई सहित गोटे यूपीआई सहित आपणको 3-4 बैंक भी लिंक होइक रहउची बैंक अकाउंट जदि से यूपीआई फ्रॉड ता से यूपीआई पाई गला तले से कोन करउची 3-4 अकाउंट को पूरा खाली कर दउची माने ओटीपी टू भी यूपीआई टा आउरी डेंजरस किंतु यूपीआई रे दि तीन टा जिनस माने अवेयर हवा दरकार केमती ना जिते बड़े से माने क्यूआर कोड किछ के सेंड करिवो आमे ताकु स्कैन करिवा कथा नु क्यूआर कोड स्कैन कले पैसा चली जीव आ गोटे जिनस देखा दरकार यूपीआई रु किसी किए गोटे रिक्वेस्ट पठाऊे जे मु पैसा देवी आ पैसा नेबी या भितर टिके आपण देखंतु जे सबुबेले जेतेबेले आपणंकु पैसा जीव सेतेबेले आपणंकु पैसा गला बेले आपणंकु आपणंकु यूपीआई पिन टा दबाव पडिवो पासवर्ड टा किंतु जेतेबेले आसीबो सेतेबेले किछ दबा दरकार नै सेतेबे आपण देखंतु एई भलिया जो दि तीनटा जिनस जे दि तीनटा जिनस आपणंकर पूरा जानिबे अवेयर हेबे सबु लोक जे आमे क्यूआर कोड स्कैन करिवानी आमे पेमेंट क्या देला बेले आमको पिन दबा पड़े आमे क्या पिन दबानी किए जो कहे पैसा मुझे दौली दबा कहले आसेप्ट करेनि कह मोबाइल मोर नंबर अच्छे फोन पे कि गूगल पे रे मतलब पेमेंट दे पेमेंट देला बेले तो किसी
ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନମ୍ବର ଦେଲି, ତମେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ପେମେଣ୍ଟ କର, ଏହା କହିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବେ ଯେ କେବେ ବି ଫୋନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ କହିବେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲୋଡ୍ କରେ ବୋଲି, ଯେମିତି ଏନି ଡେସ୍କ, କ୍ୱିକ୍ ସପୋର୍ଟ, ଟିମ୍ ଭିୟର, ଏମିତି ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କିଛି ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ, ସେଗୁଡା ବି ହେଲା ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ୍, ମାନେ ରିମୋଟ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଯାହା ଡିଟେଲ ଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ମାନେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କଣ ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଆପ୍ ଗୁଡା ବି ଲୋଡ୍ କରିବେନି। ଏମିତି ତିନି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଆୱେର ହବା ତାହେଲେ ଆମର UPI ଫ୍ରଡ୍ ଆଉ ହବନି। ଓକେ ରୋଶନ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ କରାଯାଉଛି, କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ କରାଯିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହେବେ? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ଠକେଇ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଠକେଇ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ବହୁ ଜରିଆରେ ଠକେଇ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ ରହୁଛି, ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଠକେଇ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ ହେଉଛି, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଇବର ଠକ ରହୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା, ଯେଭଳିକି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଲକୁଲ, ତ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଉଛି ଆଉ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ, ତାହା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାସକର ତଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି, କାରଣ ମାସକ ଭିତରେ 1200ରୁ ଅଧିକ କଲ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ 1,40,900,00,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି। କେଉଁଭଳି ଏହି ଠକେଇ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ ଆଉ ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ମଧ୍ୟ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କମିଶନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।